बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ में। आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि आप भाइयों को भाई कर्फ्यू के मुतल्लक और सऊदी अरेबिया में सख्ती यानी कि पुलिस की जो चेकिंग है इसके मुतल्लक मैं वक्तन फवक्तन अपडेट करता रहता हूँ। कर्फ्यू के मुतल्लक मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले ही एक न्यूज शेयर की है कि कर्फ्यू अब आपके हाथ में है, यानी कि जितनी ज्यादा हम भाई बंदे यानी कि हम आवाम जितनी ज्यादा एहतियात करेंगे उतना ही कर्फ्यू लगने के कम चांस होंगे। अभी सऊदी मरूर की तरफ से भाई चेकिंग तो हर शहर में जारी है, लेकिन रियाज में काफी ज्यादा सख्ती कर दी गई है। एक तो इकामों को लेकर और दूसरी रहायशों की चेकिंग और तीसरे नंबर पर भाई इस चीज की चेकिंग। मास्क के मुतालिक बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है, हालांकि फाइन 1000 रियाल ही रखा गया है। मैं इसके मुतालिक आप भाइयों के साथ मैं यहां पर एक वीडियो का क्लिप भी शेयर करता हूं उसके मुतालिक, फिर आपके को मैं काम की बात जो उससे नोट की है मैंने वो आप भाइयों के साथ जरूर शेयर करता हूं। जी तो वीडियो आपने देख लिया, बाकी शायद वीडियो अभी मैं आपको चलाकर दिखा रखा हूं। इस वीडियो में आपने एक चीज का पर नोट किया होगा कि यानी कि हम खारजी भाई अक्सर मास्क लगाते हैं। मैं खुद भी अक्सर यार ऐसे गलती करता हूं, लेकिन मास्क लगाते कैसे हम जी, कि हमने ये मास्क लगाया ना, तरीकाकार भी यही है। तो हम मास्क लगा लेते हैं इधर, यानी कि इधर इधर लगाया हुआ, नीचे किया हुआ ठोड़ी पर। तो मास्क भाई लगाने के लिए है, नोज और माउथ के लिए, ठोड़ी पर नहीं है। तो एक बंदे को फाइन किया गया उसके मुतलक, शायद अभी मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं उसको, हालांकि उसने मास्क लगाया हुआ था बकायदा और उसे बाहर बुलाया गया, बाहर बुलाकर उसे फाइन किया गया है। क्यों कि आपका मास्क नोज से नीचे है। तो 9000 के करीब गालबन इन चंद दिनों में फाइन जुर्माने कर दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ रियाज शहर में। तो भाई मास्क के मुतालिक तमाम खारजी भाई बहुत एहतियात कीजिएगा, इस वायरस को लेकर सऊदी अरेबिया में बहुत सख्ती की जा रही है। हो सकता है मास्क के थ्रू आपका फिर इकामा भी चेक किया जाए, और अगर आपके इकामे में कोई प्रॉब्लम या कोई एक्सपायर वाला का मसला हुआ तो आपको भाई पकड़ लिया जाएगा। अपनी एहतियात कीजिएगा। मजीद न्यूज के लिए इंशाल्लाह ताला जल्द हाजिर हूंगा। अल्लाह हाफिज़ जी।